हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपिल्ली। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था गूगल क्लासरूम कैसे टीचर्स यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग गूगल क्लासरूम हम कैसे असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, वीडियोस को स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वर्कशीट हम स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और गूगल क्विज यूज़ करके हम उनका ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो कार्ड आ रहे उस पर आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्टूडेंट्स कैसे गूगल क्लासरूम को यूज़ करेंगे, कैसे वो लॉगिन करेंगे, कैसे वो असाइनमेंट को देखेंगे, कैसे वो वीडियोस को प्ले करेंगे, कैसे वो वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और कैसे वो अपलोड करेंगे, इनकी एज ए स्टूडेंट वो कैसे गूगल क्लासरूम ऐप को यूज़ कर सकता है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियो बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये जो गूगल क्लासरूम ऐप है आप मोबाइल से भी इसे यूज़ कर सकते हैं या आप कंप्यूटर से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड बेस्ड है, आईओएस बेस्ड है तो दोनों में आपको ये ऐप मिल जाएगा। आप पहले ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कंप्यूटर का स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको गूगल पेज पे आना है, गूगल सर्च पे आना है। तो जैसे ही आप गूगल सर्च पे गूगल क्लासरूम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको लिंक मिलेगा, जो लिंक यूज करके आप गूगल क्लासरूम के साइट पे जा सकते हैं। तो जैसे ही आप गूगल क्लासरूम के होम पेज पे आएंगे राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में आपको एक प्लस साइन दिखाई देगा, वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक ऑप्शन रहेगा ज्वाइन और एक ऑप्शन रहेगा क्रिएट। क्रिएट का जो ऑप्शन है वो टीचर्स के लिए होता है ताकि वो क्लासरूम को क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्लासरूम क्रिएट नहीं करेगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, ज्वाइन पे क्लिक करेगा। जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ही गूगल क्लासरूम ओपन करेंगे आपको ईमेल आईडी, कौन से ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है ये पूछेगा। आप जो यूज करना चाहते हैं लॉगिन आईडी वो यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन क्लिक करोगे आपको एक क्लास कोड पूछा जाएगा। अगर आपके टीचर ने जो क्लास कोड आपके साथ शेयर किया है उस क्लास कोड को आप एंटर करेंगे तो ही वो क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब क्लासरूम आपको ज्वाइन करना है आपके पास क्लास कोड रहना जरूरी है जो आपके टीचर ने आपके लिए क्रिएट किया है और आपको फॉरवर्ड किया रहेगा, चाहे वो व्हाट्सएप से किया रहेगा या चाहे जो भी मीडियम है, मैसेजिंग मीडियम है जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है या ईमेल लिंक है, आपको जैसे ही उन्होंने फॉरवर्ड किया है वो कोड यूज करके आपको वो क्लासरूम में ज्वाइन होना है। अब यहाँ पे और एक चीज नोट कीजिए कि जो भी क्लास कोड रहेगा वो 5 to 7 कैरेक्टर्स का रहेगा और उसी में कोई स्पेस नहीं रहेगा। जैसा आपको क्लास कोड मिला है, स्मॉल लेटर तो स्मॉल लेटर, नंबर तो नंबर, कैपिटल लेटर तो कैपिटल लेटर, जैसा ही आपको क्लास कोड मिला है वैसा ही आपको एंटर करना है, अदरवाइज क्लास कोड रॉन्ग माना जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक ऑथोराइज्ड गूगल अकाउंट होना जरूरी है। और मैं ये आपसे बेटर ये रहेगा कि आप अपने नाम से एक जीमेल आईडी ओपन करेंगे ताकि आपके क्लास टीचर को मालूम पड़ेगा कि मेरा कौन सा स्टूडेंट उसमें ऐड हुआ है। आप अगर घर के कोई फैमिली मेम्बर है जैसे कि आपके पिताजी है या आपके माता है या अदर कोई फैमिली मेम्बर है जिनके पास जीमेल आईडी है, वो अकाउंट यूज़ करके अगर आप क्लासरूम ज्वाइन करते हो तो टीचर को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टूडेंट है, तो उनके पास जो रहता है स्टूडेंट का नाम लिस्ट रहता है। तो ये बेटर रहेगा कि आप अपने नाम से एक जीमेल आईडी क्रिएट करके रखेंगे और ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, क्योंकि अभी आप एक अपना नाम से जीमेल आईडी ओपन करके रखेंगे आपका नाम का जो है वो जीमेल आईडी अभी से आपके लिए तैयार रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, हम अब जब जीमेल आईडी ओपन करने जाते हैं तो ऑलरेडी कोई वो नाम से अकाउंट ओपन किया हुआ रहता है, तो जो नाम हमें चाहिए वो नाम हमें नहीं मिलता है, फिर उसके आगे कुछ इनिशियल्स या कुछ नंबर्स, कुछ और कोड ऐड करके अकाउंट ओपन करना होता है। तो बेटर है कि आप अपने नाम से एक जीमेल आईडी ओपन करके रखेंगे अगर पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप जो फैमिली मेम्बर है वो फैमिली मेम्बर के नाम से भी लॉगिन हो सकते हैं। अब जैसे ही क्लास कोड एंटर करेंगे आप उस क्लास कोड से जो भी क्लासरूम क्रिएटेड है उस क्लासरूम में आप ज्वाइन हो जाओगे।
अब ये जो आपके सामने आ गया है ये क्लासरूम का होम पेज है। आप ये क्लासरूम के मेंबर बन चुके हैं। यहाँ पे आपको जो भी टीचर ने असाइनमेंट दिया है, वर्कशीट दिया है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अपकमिंग, यहाँ पे एक छोटा सा नोटिस है, ड्यू फ्राइडे इंग्लिश वर्कशीट, यानी कि आपके टीचर ने ये आपके लिए पोस्ट किया है और इसे आप फ्राइडे के अंदर इसे आपको सबमिट करना है, वर्कशीट को कंप्लीट करना है। व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे जितने भी अपकमिंग इवेंट्स है तो वो सारे आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्लिक किया है व्यू ऑल पे तो आपके सामने दो असाइनमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मैथ टेस्ट और एक इंग्लिश वर्कशीट। और इंग्लिश वर्कशीट के आगे आप देखेंगे तो अगस्त 21 तक आप उसे सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो चार ऑप्शन है, ऑल असाइन, रिटर्न, मिसिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कमेंट्स है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में हुआ है, टीचर ने जो जो पोस्ट किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे साइंस नोट्स है, अगर इसे क्लिक करेंगे तो ये नोट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए तो टीचर ने वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, अगर जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब में उस लिंक से जो भी वीडियो कनेक्टेड है वो वीडियो आपका प्ले हो जाएगा। बैक एरो करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे होम पेज पे। अभी नया पे आ जाएंगे जो टैब है सेकंड, क्लास वर्क। हम क्लास वर्क पे आ जाएंगे तो क्लास वर्क पे आपने जो जो असाइनमेंट दिया है वो सारा आपको मिल जाएगा। जो भी आपके टीचर ने असाइनमेंट्स पोस्ट किया है, नोट्स भेजा है, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए द सन, द मून एंड द एर्थ, इसे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहे हैं जिसमें आपको इस लेसन से रिलेटेड नोट्स मिलेंगे। ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। व्यू मटेरियल में क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर आप चाहे तो नोट्स कॉपी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। ब्लैक एरो पे क्लिक करेंगे तो आप वापस पहले पेज पे आ जाएंगे। अब ये सेकंड दीजिए साइंस लेसन वन, यहाँ पे साइंस के नोट्स है, ये सिंबल जो दिखाई दे रही है नोट्स का है। फिर यहाँ पे मैथ्स टेस्ट है, यहाँ पे इंग्लिश वर्कशीट है, जो हेडिंग्स है वो हेडिंग्स से आप मालूम हो सकता है। इंग्लिश वर्कशीट है, ये असाइनमेंट है, व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप असाइनमेंट पे जाएंगे, टर्न इन करना है। जैसे ही टर्न इन करेंगे यहाँ पे आपको पूछेगा कैंसिल या टर्न इन, फिर टर्न इन पे क्लिक कीजिए तो ये असाइनमेंट ओपन हो गया है। ये डॉक्यूमेंट है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे एडिट कर सकते हैं सिर्फ गूगल डॉक्स यूज करके। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप गूगल डॉक्स के पेज पे चले जाएंगे। ये देखिए लेसन, यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नाम टाइप कर देंगे तो आपका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे मैथ्स टेस्ट है तो मैथ्स टेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैथ्स टेस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगा, फॉर्म गूगल है, वो गूगल फॉर्म यूज़ करके टेस्ट है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप गूगल फॉर्म के पेज पे जाएंगे जहाँ पे आपको टेस्ट मिला है, वो टेस्ट आपको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, फिर बाद में सबमिट करना है। जहाँ पे स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन पूछा है जैसे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टैंडर्ड नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपका नाम लिखे, स्टैंडर्ड में जो क्लास है, जैसे आपका गूगल फॉर्म का पेज रहेगा वैसे आपको ये आंसर्स करना है। यहाँ पे ये डेमो है, जैसे ही आप पूरा गूगल पेज कंप्लीट करेंगे नीचे जो सबमिट बटन है वो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो आपके मार्क्स भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, टोटल 10 आउट ऑफ 10, यानी कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट है। फिर अब यहाँ पे जो तीसरा टैब है पीपल, ये जैसे क्लिक करेंगे तो आपके क्लास में जितने अदर स्टूडेंट्स ज्वाइन है उनका नाम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 10 स्टूडेंट्स है और उनके नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यूजिंग गूगल क्लासरूम आप स्टडी मटेरियल जो भी आपके टीचर ने फॉरवर्ड किया है वो नोट्स आप देख सकते हैं, असाइनमेंट्स देख सकते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, वीडियोस अगर शेयर किया तो वीडियोस भी देख सकते हैं, कुछ
क्वेश्चंस पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारा जो है ये गूगल क्लास यूज़ करके आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।